मॉडल दिव्या की ये तस्वीरें उसकी जिंदगी का एक ही पहलू दिखा रही हैं, लेकिन खूबसूरत मॉडल का एक ऐसा चेहरा भी है जिसका खुलासा भी हैरान करता है और उसकी असलियत को भी उजागर कर देता है। मॉडलिंग और चकाचौंध वाली जिंदगी जीने की आदी बन चुकी दिव्या पाहुजा का एक अतीत भी है। मौजूदा वक्त में गुरुग्राम के बलदेव नगर में रहने वाली दिव्या पाहुजा कभी हरियाणा में छठे हुए बदमाश संदीप गंडोली की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ये वही संदीप गाडोली है जो पुलिस के एक एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था संदीप गाडोली। 7 फरवरी 2016 को मुंबई में हुआ था एनकाउंटर। मुंबई की अंधेरी के एक होटल में मारा गया था संदीप। इत्तेफाक से एनकाउंटर के वक्त दिव्या भी मौजूद थी। खुलासा यही हुआ कि मुंबई की अंधेरी में होटल में वह एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने किया था और हरियाणा पुलिस ने दिव्या को इस केस में गवाह भी बनाया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, लेकिन इसी के साथ दिव्या पर अपने ही बॉयफ्रेंड यानी संदीप गाडोली के खिलाफ हरियाणा पुलिस से मुखबिरी करने का इल्जाम भी लगा और शायद यहीं से दिव्या की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी तक पुलिस दिव्या की बॉडी नहीं बरामद कर सकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मोटिव निकल के सामने आ रहा है, जो आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था कुछ तस्वीरों की वजह से, और वो तस्वीर वो लेना चाहता था, मोबाइल का पासवर्ड मांग रहा था, और जब दिव्या ने मना किया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब सवाल यही उठता है कि उस अतीत के साथ जी रही दिव्या की हत्या होटल के मालिक अभिजीत ने क्यों की? बकौल पुलिस, इस सवाल का जवाब भी आरोपी अभिजीत ने ही दिया। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक आरोपी अभिजीत की कुछ अश्लील तस्वीरें दिव्या पाहुजा के पास थी। इन तस्वीरों को लेकर दिव्या पाहुजा आरोपी अभिजीत को ब्लैकमेल करती थी। दिव्या अक्सर अभिजीत सिंह से मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। आरोपी अभिजीत दिव्या पाहुजा के साथ इसलिए होटल आया ताकि उसके फोन से वो अश्लील फोटोज डिलीट करवा सके, लेकिन दिव्या पाहुजा ने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और आरोपी अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस कबूलनामे के अलावा दिव्या के घर वालों की बातों से यह खुलासा होता है कि अभिजीत ने गैंगस्टर संदीप गाडोली के घर वालों से मिलकर ही दिव्या के साथ गद्दारी की और हत्या की, क्योंकि दिव्या संदीप के एनकाउंटर में चश्मदीद गवाह थी।